Excellent. शिमला में परिवहन पथ निगम के नवगठित निदेशक मंडल की बैठक, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी बैठक में हुए शामिल। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की हुई बैठक, सीएम सुखेंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना को दिखाई हरी झंडी। ऊना में एसडीएम विश्वमोहन देव ने मनोज पार्षदों को दिलाई शपथ, कर्तव्य निष्ठा से काम करने की दी सलाह। हिमाचल में आईजीएमसी से पीजीआई के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा शुरू, राज्यसभा सांसद स्वतंत्र कुमार ने दिखाई हरी झंडी। और कुल्लू में परशुराम हत्याकांड मामले में बीजेपी पर आरोप, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राजीव किमटा ने सखापन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप, बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर शिमला से है, जहां सोमवार देर शाम हिमाचल पथ परिवहन निगम के नवगठित निदेशक मंडल की पहली बैठक पीटरहॉफ में हुई, जिसमें डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री मौजूद रहे। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि पथ परिवहन निगम की प्रदेश में अपनी एक साख है, निगम की कार्यप्रणाली को व्यवस्थित किया जाएगा और आय के साधन बढ़ाने को लेकर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसके अलावा निगम की बैठक में कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन देने पर भी सहमति बनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डायरेक्शन दिए हैं और एक उच्च स्तरीय समिति भी गठित की जा रही है, जो कि ये देखेगी कि संसाधन कैसे अर्जित किए जा सकते हैं। सेकेंडली, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यहाँ पे कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की अनुमति जो है, वो आज जो फैसला सरकार का कि सभी कर्मचारियों को ओपीएस के दायरे में लाना है, तो उसके तहत जो है पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को ओपीएस के दायरे में लाने के लिए जो है विधिवत मंजूरी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने दी है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को राज्य सचिवालय में हुई। आपको बता दें कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना को हरी झंडी मिली। मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सुक्खू सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए प्रदेश में मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना को शुरू कर दिया है। वहीं हर्षवर्धन ने यह भी कहा कि मंत्रिमंडल ने उन पोस्ट कोड के लिए परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, जहां पूर्व हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी। रिक्रूटमेंट प्रमोशन रूल्स में अमेंडमेंट किए ग्रेड वन के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिसेज में। इसके अलावा जो है जो फोर लेन एरियाज, फोर लेन को जो हमारे चार फोर लेन है, जिसमें परवानू शिमला है, कीरतपुर मनाली है और कांगड़ा शिमला है और जोगिंदर नगर पठानकोट मंडी है, इन चारों के चारों एरियाज में जो है वो फोर लेन प्लानिंग एरियाज प्रपोज किया गया। फोर लेन प्लानिंग एरियाज जिसमें कि जो रोड के एंड उसे 100 मीटर्स ऑन बोथ साइड जो एरिया होंगे, वो उनकी जो कंस्ट्रक्शन होगी वो रेगुलराइज जो है अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग के रेगुलराइज जो होगी, ताकि इसमें हैप हैजर्ड जो है कंस्ट्रक्शन। नगर परिषद ऊना, मेहतपुर, बसदेहड़ा और संतोषगढ़ के मनोनीत पार्षदों को एसडीएम विश्वमोहन देव चौहान ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर एमसी ऊना से शिलेंद्रपाल, दमनवीर सिंह मक्कर, सोनिया करनेल सिंह, एमसी मेहतपुर बसदेहड़ा से राहुल एरी, हरदीप सिंह, विजय कुमार व अनीता शर्मा, एमसी संतोषगढ़ से प्रेमचंद चौधरी, मुकेश कुमार सैनी, विवेक कुमार कौशल और सत्य प्रसाद ने पद व गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। इस मौके पर पूर्व विधायक सत्यपाल सिंह रायजादा और बाबा अमरजोत सिंह बेदी भी विशेष रूप से मौजूद रहे। विकास कार्य जो है उनको आगे लेकर आए,
और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जो इनके ऊपर अटूट विश्वास है उसको ये पूरा करें, क्योंकि ये इनको एक तरह से जिम्मेदारी दी गई है। तो इन सभी पार्षदों को ये सोचना चाहिए कि जिन क्षेत्रों में इनको चुना गया है अपने अपने क्षेत्रों में सही तरीके से निर्वाह करें। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी से पीजीआई रेफर होने वाले गंभीर मरीजों के लिए निशुल्क एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। यह सेवा नोफल एक उम्मीद संस्था द्वारा शुरू की गई है और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस का शुभारंभ किया। वहीं आपको बता दें यह निशुल्क एम्बुलेंस सेवा महीने में 6 दिन शुरुआती तौर पर चलेगी और आगे जैसे जैसे मरीज रहेंगे यह सेवा बढ़ा दी जाएगी। इस दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने यह भी कहा कि इससे मरीजों को ले जाने में सुविधा मिलेगी। नोफल वेलफेयर एसोसिएशन पूरी टीम को और इसके जो अध्यक्ष हैं सरदार गुरमीत जी को कि आज जिस तरह से वो समेज में पर जो है वो समाज हित में कार्य करते रहते हैं, आज उन्होंने एक नई शुरुआत की है। उसके अंतर्गत जो भी सीरियस मरीज आईजीएमसी में है उसको रेफर किया जाता है बाहर पीजीआई या अन्य हॉस्पिटल में, तो आज एक एम्बुलेंस सर्विस इन्होंने स्टार्ट की है जो महीने में 4 बार आईजीएमसी से चलेगी। और जरूरत पड़ी तो मैंने इनको कहा है कि आप महीने में 5-10 बार या हफ्ते में 2-3 बार भी उसको चलाइए। आज जो हमने एम्बुलेंस सेवा शुरू करी है ये ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एमएस जो है, महीने में 6 दिन, पहले हमने 4 कहा था जिस टाइम पे हम ये मुहूर्त कर रहे थे, लेकिन हमारे साथ एक नए डोनर जुड़ गए हैं जिन्होंने महीने में 2 दिन के लिए जो है इसका बीड़ा उठाया है, तो उन्होंने ये कहा है कि इसको 6 दिन किया जाए। तो अब ये महीने में जो है 6 दिन के लिए IGMC टू PGI बिल्कुल फ्री जाएगी और ये जो रिकमेंडेशन है इसकी MS IGMC करेंगे, जिसकी रिकमेंडेशन हमारे पास आ जाएगी उसके लिए फ्री जाएगी। और धीरे धीरे जैसे हमारे साथ ये डोनर्स जुड़ेंगे, मैं आप लोगों के माध्यम से डोनर्स से ये आग्रह करूंगा कि आप लोग आगे आएं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते IGMC टू PGI जाने के लिए, तो आप एक दिन का उसका स्पॉन्सरशिप ले लीजिए। तो ये हम शिमला टैक्सी यूनियन के पक्ष में पंचायती राज मंत्री के बयान पर सिरमौर के लोग भड़क गए हैं। आपको बता दें कि शिमला के DC ऑफिस के बाहर काफी तादाद में लोग प्रदर्शन पर बैठ गए हैं और मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर गुंडा तत्वों को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही CM से मंत्री अनिरुद्ध सिंह को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि ये दो व्यवसायियों की आपसी लड़ाई थी, लेकिन जिस तरह से मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने धमकी दी है कि सिरमौर का कोई भी व्यक्ति यहाँ काम नहीं कर सकता है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इनकी आपस की व्यवसायिक लड़ाई थी, लेकिन यहाँ पे मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी ने जिस प्रकार के जिला सिरमौर के लोगों को धमकियां देनी शुरू की है कि जिला सिरमौर के कोई भी लोग यहाँ पे काम नहीं करेंगे, ये बहुत ही निंदनीय है। हम सभी इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि उनको बर्खास्त किया जाए। इस प्रकार के स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर है। एक मंत्री पूरे दंगे भड़काने में लगा है, दो जिले भड़का रहा है, क्या वो हमारा मंत्री नहीं है? क्या उसने कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ नहीं ली है? तो इसलिए हमारा आग्रह है आप लोगों से, आने वाले समय में यदि ये मुद्दा इसी तरह गरमाया जाए सिरमौर के लोग पीछे नहीं हटेंगे। हमारा एक ही मुद्दा है कि हम लोगों को यहाँ पे शिमला के अंदर ये बोला जा रहा है कि सिरमौर के कोई भी N नंबर गाड़ी और शिमला का जो गाइड है यहाँ पे जो काम कर रहा है कि कोई भी यहाँ पे काम ना करें। तो हम तो वो सिरमौरी हैं जो अंग्रेजों के टाइम से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, हम कोई आज के नहीं है। हम उस टाइम भी लड़ाई लड़ी है जब यहाँ कश्मीर और हमारे सिरमौर की जो लड़ाई हुई थी, ये बहुत पहले 15-20 साल पहले की बात, जब लड़ाई हुई थी तो उस टाइम भी प्रशासन ने, सरकार ने ये निर्णय निकाला था, उसका जो बीच का वो निकाला था कि 12 घंटे कश्मीर वाले काम करेंगे, 12 घंटे सिरमौर वाले काम करेंगे। उसमें ये नहीं बोला था कि जो हमारी ये प्रेजेंटेशन टाइम जो बोल रहे हैं ना कि भाई यहाँ से इनको बाहर ही निकालो। तो हम इस चीज के अब खबर कुल्लू से है जहां कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राजीव किमटा ने बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि जिले में साल 2021 के अगस्त महीने में परसराम की हत्या हुई थी और उसकी पत्नी आज भी बिस्तर पर पड़ी हुई है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उस समय पूर्व CM जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री के पद पर तैनात थे, तो उन्हें भी उस दौरान आरोपियों के खिलाफ CBI की जांच करवानी चाहिए थी, लेकिन अपने लोगों को बचाने के लिए बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की।
वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राजीव ने कहा कि परसराम हत्याकांड में कुछ आरोपी सीधे सीएम कार्यालय से जुड़े हुए थे और इसकी जांच करवाई गई होती तो बीजेपी के कई नेता भी लपेटे में आ सकते थे। सरकार जो इसे खंडन करती है, कारण क्या कि जैसे ही ये घटना हुई, बहुत दुखद घटना थी, जिस तरह से जो घटना हुई विद इन 24 आवर्स जितने भी कल्प्रेट्स थे, जितने भी वो थे, उनको अरेस्ट कर दिया गया और सलाखों के पीछे दिया, और जिसने इसमें जितने भी कंसर्न लोग थे सभी को अरेस्ट कर दिया गया। मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि जो इनका प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन, वो किस बात को लेकर है। धरना प्रदर्शन अगर होता कि अगर आपने जो क्रिमिनल्स थे उन्हें अरेस्ट ना किया होता तो मानते कि आपका धरना उचित था, लेकिन आप 24 आवर्स के अंदर आपके पहुंचने से पहले, जब तक आप पहुंचे, जब तक आपने उसको पॉलिटिसाइज करना था, उससे पहले सारे के सारे जो आरोपी थे वो बिहाइंड द कर्टन थे। लेकिन आप जिस बावजूद उसके कि आपको सरकार का पक्ष देना चाहिए थे, आप उसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, उसको आप कहीं ना कहीं उसको दूसरा रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष के गुप्त नवरात्रि शुरू हो गए हैं। गुप्त नवरात्रों के दौरान पूजा अर्चना के लिए बाहर प्रदेशों से भारी संख्या में श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंच रहे हैं। वे आपको बता दें कि पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और अन्य प्रदेशों से श्रद्धालुओं का जमावड़ा माता के दरबार में लगा है। साल भर में 4 नवरात्रि मनाए जाते हैं जिनमें 2 गुप्त नवरात्रि भी शामिल है। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष के गुप्त नवरात्रि और माघ मास शुक्ल पक्ष के गुप्त नवरात्रि मनाए जाते हैं, जबकि चैत्र के नवरात्रि और अश्विन के नवरात्रि आम नवरात्रों की तरह मनाए जाते हैं। यहाँ पे आज माता जी के दर्शन करने आए थे, गुप्त नवरात्रि शुरू हुए हैं और परिवार सहित मैं आज यहाँ पे दर्शन के लिए आया हूँ और माता रानी की कृपा है कन्या पूजन के, और वहाँ पे करने के बाद माता रानी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ज्वाली विधानसभा के अंतर्गत पौंग झील में डूबे दोनों युवकों के शवों को एनडीआरएफ की टीम ने मदद से बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि जैसे ही रजत और सुमित कुमार निवासी दौलतपुर के शव बाहर निकले तो परिजनों में हाहाकार मच गया। पुलिस के द्वारा शवों को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि एनडीआरएफ की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों शवों को ढूंढ निकाला। इस दौरान झील किनारे लोगों का काफी हुजूम उमड़ा हुआ था। वहीं एएसपी नूरपुर मदनकांत के परिवारजनों को डांडास बधाया और प्रशासन की तरफ से डूबे हुए युवकों के परिजनों को 25,000 की राहत राशि दी गई। विगत दिवस 2 नौजवान जो दौलतपुर के रहने वाले थे अपने कुछ साथियों के साथ यहां घूमने आए थे और गर्मी की वजह से वो नहाने चले गए, क्योंकि बाहर के रहने वाले थे, उनको यहाँ की वस्तुस्थिति का पता नहीं था। तो नहाती बार दो युवक, एक रजत जिसकी उम्र 23 साल है और एक सुमित जिसकी उम्र 26 साल है, वो आर्मी में हैं, वो दोनों पानी की गहराई में समा गए। उनको बचाने की कोशिश करी गई परंतु दुर्भाग्यवश उनको बचाया नहीं जा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।